आशा नौटियाल बीजेपी की प्रत्याशी है केदारनाथ उपचुनाव सीट से, जिस पर अब इस समय सुनते हैं अनिल बलूनी को। ढाई तीन साल में जिस तरह का केदारनाथ को हम देखना चाहते हैं, हम सबको भिक्षा के रूप में एक वोट दीजिए और बहन आशा नौटियाल जी को विजयी बनाइए। आने वाले दिनों में हम सब मिलके, धामी जी, हम सब और आशा जी मिलके इस पूरी केदारनाथ विधानसभा के लिए बहुत जमकर काम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी सड़कें बननी हैं, बहुत सारे जो तीर्थाटन के काम है पड़े हैं, और आप लोगों को आज मैं इस केदार घाटी में विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में केदारनाथ जी में जो यात्रा है उसको और भव्य बनाना है और प्रत्येक घर को और प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थाटन से जोड़ना है, रोजगार से जोड़ना है। मैं आप लोगों के सामने विश्वास दिला के जाता हूं कि आप हमारी विधायक को चुनाइए और जिस तरह से विधानसभा में विकास के काम होने हैं, एक भी बेटा बेरोजगार नहीं रहे, एक भी सड़क बिना बने यहाँ नहीं रहेगी, ये आप विश्वास करके जाइएगा। आने वाले समय में आप लोगों के साथ लगातार बातचीत होनी है, आगे चुनाव प्रचार में लगातार आप लोगों के साथ बातचीत होनी है। आज मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मध्य हैं, उनका संबोधन हम सबको सुनना है, लेकिन आने वाले जो 20-22 दिन हम लोगों के पास हैं, उस प्रचार के लिए सब लोग कमर कस लीजिए। किसी व्यक्ति को इस केदारनाथ विधानसभा में हमने छोड़ना नहीं है, सबसे संपर्क करना है और सबसे भिक्षा के रूप में वोट लेके जाना है, बहन आशा नौटियाल जी को विजयी बनाना है और इस केदारनाथ विधानसभा को देश की अग्रणी विधानसभा बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी, आपका गरिमामयी उद्बोधन यहाँ पे हमारे लोगों को मिला। और अब मैं मंच पे